उससे पहले बात मध्य प्रदेश के मौसम की भी कर लेते हैं। बारिश के आसार कई इलाकों के लिए जाहिर किए गए हैं। जनवरी के आखिरी सप्ताह में बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। जबलपुर संभाग में आज और कल बूंदाबांदी के आसार, डिंडौरी बालाघाट मंडला सिवनी में बूंदाबांदी हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बूंदाबांदी के आसार नजर भी आते हुए दो दिन बाद तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाके जो लगातार ठंड की चपेट में, आने वाले समय में राहत के कोई आसार नहीं, क्योंकि बूंदाबांदी जब हुई है तो आने वाले समय में ठंड और ज्यादा बढ़ने की संभावना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई इलाके ऐसे जहां बारिश का सिलसिला शुरू भी हो गया, खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल, यहां पर अच्छी खासी ठंड कोहरे की चपेट में पूरा जिला। और अब अनूपपुर जिले की खबर की चर्चा। पुष्पराजगढ़ विधानसभा कम जिक्र कर रहे थे, पंचायत बोदा के माझे टोला के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान, और निरंतर हम ये खबर दिखाते आ